किस तरह फुटबॉल के स्टार कहे जाने वाले CR7 को महंगी चीजों पर अरबों रुपए चुटकियों में उड़ाते हैं, जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। क्यों रतन टाटा को इस महिला की वजह से $200 का जुर्माना देना पड़ा। अब एलन मस्क की कंपनी जियो को टक्कर देने के लिए इंडिया आ चुकी है और कैसे बहुत ही जल्द जियो का राज खत्म होने वाला है। नंबर 5, भारत में इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदल देने के लिए अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया में आ चुकी है। क्या स्टारलिंक इंडिया में रिलायंस जियो को टक्कर दे सकता है? दरअसल एलन मस्क चाहते हैं कि सैटेलाइट की मदद से लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाए। एलन मस्क का प्लान है कि स्टारलिंक की 42,000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की जाएगी। 42,000 सैटेलाइट का मतलब पूरी दुनिया में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसके लिए कंपनी ने 2025 तक का टारगेट रखा है। इसके लिए एक सैटेलाइट डिश लगेगा जो घर की छत पर लगेगा। इसके अलावा एक राउटर होगा जो घर के अंदर होगा। फिर आप इनसे कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आम इंटरनेट की तरह ही कनेक्ट कर पाएंगे। नंबर 4, बच्चा बच्चा रोनाल्डो का फैन है और शायद ही ऐसा कोई हो जो रोनाल्डो भाई साहब को ना जानता हो। दुनिया के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोअर्स हासिल करने वाले रोनाल्डो को महंगी चीजों का काफी शौक है। रोनाल्डो की लाइफस्टाइल का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कार बुगैटी ला वॉचर नोरी है, जिसकी कीमत है 75 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर ही आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन जरा रुकिए, इनके पास महंगी कारों का पूरा कलेक्शन है, जैसे बुगैटी वेरोन जिसकी कीमत $1.7 मिलियन। इसके अलावा इनके पास लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, बेंटले जीटी स्पीड, रोल्स रॉयस फैंटम जैसी कई लग्जरी कारें हैं। और सबसे अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में आने वाले रोनाल्डो के बारे में फोर्ब्स ने बताया है कि इनके पास अरबों की संपत्ति है, जिसमें से एक है न्यूयॉर्क में बना ट्रंप टावर का एक अपार्टमेंट जिसकी कीमत है $18.5 मिलियन। इसके अलावा रोनाल्डो ने हाल ही में अपने फैमिली के लिए 469 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, जहां दुनिया भर की सुविधाएं मौजूद है। रोनाल्डो कई बार कॉन्सर्ट्स में हीरे से बनी घड़ी के साथ भी देखे जा चुके हैं, जिसकी कीमत है £1.2 मिलियन। खैर, जो भी हो, इन्हें सबसे अमीर खिलाड़ी पैसा नहीं बल्कि फैंस का प्यार बनाती है। नंबर 3, रतन टाटा को एक बार जर्मनी में इस महिला की वजह से $200 का जुर्माना देना पड़ गया। दरअसल एक बार रतन टाटा बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी में गए। काम खत्म करने के बाद वे अपने एक दोस्त के साथ होटल गए और खाने का ऑर्डर दिया। दोनों ने जमकर खाना खाया और बिल के पैसे रखकर उठने लगे। सामने कुछ महिलाएं बैठी थी। उन्होंने टाटा और उनके दोस्त की तरफ देखा और कहा कि आप लोग जब खाना खा नहीं सकते तो फिर ऑर्डर क्यों किया। तब दोनों ने सफाई देते हुए कहा कि वे इस खाने का पैसा दे चुके हैं, इसलिए वो अपने काम से काम रखे। इस पर महिलाएं और भड़क गई और उन्होंने एक नंबर पर फोन कर एक सामाजिक संस्था के लोगों को बुला लिया। तब उस संस्था के लोगों ने पूरी बात सुनी तो कहा कि भले ही आपने खाने का पैसा चुका दिया हो, लेकिन ये खाना देश की संपत्ति है, आपकी नहीं। इसे खराब करने का आपको कोई हक नहीं है। जितना खाओ उतना ही ऑर्डर किया करो। और इसके बाद उन्होंने रतन टाटा पर $200 का जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, हमें भी खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 20 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जिन्हें रात को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। नंबर 2, साल 2002 में ऋतिक रोशन के लगातार 7 मूवी फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद शो टाइम मैगजीन ने पब्लिश किया कि ऋतिक का करियर अब खत्म हो चुका है और अब बॉलीवुड में उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब उन्हें कोई मूवी नहीं मिलेगी। यह ऐसा टाइम था जब ऋतिक रोशन भी काफी परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसके एक साल बाद ही 2003 में ऋतिक की मूवी कोई मिल गया सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। और आज 18 साल बाद ऋतिक रोशन बॉलीवुड के टॉप एक्टर बन चुके हैं, जिनके डांस मूव्स की पूरी दुनिया दीवानी है और वो दुनिया के मोस्ट हैंडसम मैन भी है। और ऋतिक सिर्फ हैंडसम ही नहीं, ये वही ऋतिक है जिन्होंने सुपर 30 मूवी से पूरी दुनिया को अपने एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। और रही बात उनकी करियर की, तो वो कभी खत्म होगा ही नहीं। उल्टा वही शो टाइम मैगजीन जिसने ये छापा था कि ऋतिक का करियर अब खत्म हो चुका है, वो खुद अब बंद हो चुकी है। नंबर 1, मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज खान ने जो इतिहास में किया, उसे जान के आज भी लोगों की रूह कांप जाएगी। ये आदमी सिर्फ 13 साल की उम्र में ही हत्यारा बन गया था। उसे सत्ता का काफी लालच था, इसीलिए उसने बचपन में ही अपने 13 साल के भाई की हत्या कर दी थी। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिक जिस भी शहर में घुसते, उसका बर्बाद होना तय होता था। ये हर शहर में घुसते ही लूटमार, हत्याएं और बलात्कार करते थे। चंगेज खान ने एक हमले के दौरान 1 घंटे में ही करीब 17,48,000 लोगों की हत्या कर दी। बताया जाता है कि चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन में करीब 4 करोड़ लोगों को मारा था। इस हिसाब से उसने पृथ्वी से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की। इतना प्रदूषण दुनिया में एक साल में इस्तेमाल पेट्रोल से फैलने वाले प्रदूषण के बराबर है। चंगेज खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने कई हजार महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे, इसलिए आज भी पूरी दुनिया में 16 मिलियन लोगों के अंदर उसका DNA मौजूद है।